स्वच्छता मिशन के नाम पर किए 50 लाख रुपए का घोटाला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गांव में स्वच्छता मिशन के लिए गांव में शौचालय बनवाने के लिए अखिलेश सरकार को पैसे आवंटित किए थे, लेकिन अखिलेश सरकार के भ्रष्ट अधिकारियों ने शौचालय बनवाने के नाम पर बजट का गोलमाल कर गए। ऐसा ही एक मामला मऊ जिले में आया है, जहां पर शौचालय बनवाने के नाम पर ग्राम विकास अधिकारी ने 50 लाख रुपए का गमन कर लिया है, जिसकी जानकारी होते ही जिला प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ है। वहीं इस बात की जानकारी जैसे ही जिला प्रशासन को हुई, तो जिला प्रशासन ने मामले को तुरंत संज्ञान में लेते हुए FIR दर्ज कराने का निर्देश जारी कर दिया है। जिलाधिकारी ने इस मामले में जांच कर ग्राम विकास अधिकारी के ऊपर FIR दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पेश है मऊ से आसिफ रिजवी की एक रिपोर्ट। सर, जिला प्रशासन ने सर एक बड़ी कार्रवाई किया है शौचालय निर्माण को लेकर, सर क्या है सर उसमें और किस तरीके का घोटाला सर? नहीं, उसमें जो पैसा था उसकी धनराशि का उपयोग नहीं किया, और जो पंचायत सचिव हैं वो उसका हिसाब नहीं दे पा रहे हैं, और वो प्रथम दृष्टया गबन का मामला लग रहा, इसलिए उसमें प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गई। कितने पैसा गबन है? लगभग 40 लाख तो अभी है, और अभी हिसाब पूरा नहीं दिया, हो सकता कुछ काम उन्होंने किया हो, मगर कई दिनों से BDO और तमाम अधिकारी उनको नोटिस दे रहे हैं, वो उसका समुचित उत्तर नहीं दे पाए, तो उसका आकलन भी हो रहा है कितना। अभी प्रथम दृष्टया 40 लाख का लग रहा, हो सकता आगे बढ़े। जिसमें बहुत सारे काम हुए, कुछ धन के अभाव में नहीं हो पाए, अभी भी काम चल रहे हैं। शौचालय के हिसाब से 95-97 शौचालय हमने बनवा दिए हैं। कितने का लक्ष्य था आपके? जी, हमारे यहाँ अभी तो 300 का लक्ष्य है, हमने मांग रखा है, लेकिन 90 पर काम हो गया है, 25 पर काम चालू है, और अभी हम आगे चाहेंगे कि घर घर शौचालय बनवा लें, हमारा उद्देश्य है, पूरे गाँव को शौच मुक्त करना चाहते हैं।